स्कूल शुरू होते ही हर माँ की यही टेंशन होती है कि रोज़ रोज़ बच्चों के टिफ़िन में क्या ऐसा हेल्दी और टेस्टी दें कि बच्चे उसे पूरा फिनिश करके आएँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, जिसे आप अगर अपने बच्चों के टिफ़िन में देंगे ना, तो मेरी गारंटी है बच्चे पूरा टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस टेस्टी से रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी सूजी लिया है और इसके साथ ही हमने लिया है एक कटोरी बेसन। आप चाहें तो इस रेसिपी को पूरा सूजी से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसन डालने से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है एक कटोरी दही और थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। तो हम इस तरीके से इसे मिलाते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिला दिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और आइए हम अपने सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ, जिसमें हमने सबसे पहले डाला है एक प्याज कटा हुआ और इसके बाद हमने डाला है एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च कटा हुआ। आप सब्जियां अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें डाला है एक टमाटर बारीक कटा हुआ। और अब हमने इसमें तीखेपन के लिए ऐड किया है एक हरी मिर्ची। अगर आपका बच्चा मिर्ची नहीं खाता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ ही हमने डाला है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच नमक ऐड किया है मैंने। बस अब हम इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं। आप अपनी चॉइस का कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसे खूब अच्छी तरीके से मिला लिया है, लेकिन मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और इसका एक बैटर बना लिया है। इसके बाद हमने इसमें डाला है आधा चम्मच ईनो। इससे जो हमारा नाश्ता है ना, वो काफ़ी फ्लफ़ी और स्पंजी बनेगा। आप इसकी जगह मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। और हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे फिर से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए, हमारा बैटर तैयार है। हमें इसे ना थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना होता है। तो आइए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने एक पैन गरम कर लिया है और इसमें हमने डाला है एक छोटा चम्मच तेल। और तेल के गरम होने पर हमने इसमें डाला है आधा छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। इससे हमारा नाश्ता काफ़ी टेस्टी बनता है। इसके बाद हमने आधा छोटा चम्मच इसमें राई डाल दी है और साथ में ही हमने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए इसमें करी पत्ता डाल दिया है। और इस तरीके से हमें थोड़ा सा ना, ये जो हमारा तड़का है इसे हम फैला लेंगे। और अब हम इसमें अपना बैटर रख देंगे। इसे हमें चारों तरफ से बराबर कर लेना है और इस टाइम हमें गैस की फ्लेम को धीमा कर लेना है और ढककर 5 मिनट के लिए इसे पकने देना है। अगर आपका बच्चा सब्जी और पराठा टिफ़िन में फिनिश करके नहीं आता है तो ढेर सारी सब्जियों से बना ये नाश्ता आप उसे दीजिए। ये उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ हम 5 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है और हमारा ये जो नाश्ता है ना, ये ऊपर से सूख भी गया है और फूल भी गया है, क्योंकि हमने इसमें ईनो डाला है। अब थोड़ा सा हम ऊपर से तेल डालेंगे और इसे हमने पलट लिया है और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। ये नाश्ता ऊपर से इतना क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पंजी होता है और ठंडा होने के बाद भी ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, हमने यहाँ दोनों तरफ से इसे सेक लिया है। कितना सुंदर कलर आया है ना इसका। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप घर पे खा रहे हैं तो इसे हरी चटनी या फिर किसी भी चटनी से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे टिफ़िन में दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है, जिससे कि बच्चों को पकड़ने में भी आसानी होगी और पिज्जा की तरह ये उसे चट कर जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना स्पंजी बना है ना हमारा नाश्ता। आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो मेरी तो टिफ़िन बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये टिफ़िन रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी टिफ़िन रेसिपीज अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आगे भी ऐसी ही और भी आइडियाज़ टिफ़िन के लाती रहूँगी। तो मैंने इसके साथ थोड़ी सी लीची भी रख दी है, जिससे कि बच्चे फ्रूट्स भी खा लें।
आई होप आपको मेरी ये रेसिपी यूज़फुल लगी होगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर किया करिए, आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और भी रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपीज़ के साथ।